मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरा भाई भी नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। तो आज है पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी कि श्राद्ध, और आज हम बनाएंगे खुद से अपने हाथों से खाना और अपने पितरों को अर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा और देखते रहिए कि मैं खाना में क्या क्या बनाती हूँ और उन्हें कैसे मैं अर्पित कर रही हूँ। पितृपक्ष का आखिरी दिन है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी ये दाढ़ी काटने। 2 हफ्ते से ऊपर हो गए। नाई के पास चल जाइए। नहीं, नाई के पास क्या करेंगे, खुद काट लेंगे, खुद से काटेंगे। अब उसमें नाई को क्या सहयोग ले। मत आधे चलो ब्रश कर दे। हे नाथ, चलो ब्रश करना है ना, गुस्सा नहीं। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, चलो ब्रश ब्रश करने आधे, फिर मम्मा नहाने चली जाएगी। चलो नहीं, इधर ही रहोगी, पूजा कर, पूजा करोगी, जय कर दो, चलो जय करो। श्री कृष्ण गोविंद। पता है क्या खाने आई है ना, मैं प्रसाद जो लगाती हूँ ना, अच्छा, तो उसी को इस प्रसाद चाहिए। हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो बड़ा मतलब वो प्रसाद खाने का वो रहता था, नहीं कि प्रसाद मतलब इसमें से उसको प्रसाद चाहिए। अभी तो प्रसाद चढ़ा भी नहीं है ना बेटा, अभी तो मतलब भगवान जी नहा रहे हैं। तो ये जल और तिल है और आज श्राद्ध का अंतिम दिन है गाइस, और मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरा भाई भी नहीं है। तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर अगर आपके माता पिता का श्राद्ध नहीं हो रहा है, भाई नहीं है, भाई नहीं कर पा रहा है, तो लड़कियां भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती हैं। तो मैं जा रही हूँ उन्हें ये जल अर्पित करने और उनसे आशीर्वाद लेने। हे गाइस, तो अब दोपहर का लंच बन रहा है और आज है स्पेशल पितरों का दिन, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ स्पेशली, अपने लिए नहीं। हमारे लिए तो प्लान ये था कि मैं हम लोग आज दिन में मतलब हदया के पापा का छुट्टी भी है और बाहर का खाने का मन हो रहा था, तो ये हुआ कि खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से ही मंगा के खा लेंगे। लेकिन फिर और पितरों के लिए खीर बना देंगे तो हो जाएगा। फिर जब मैं सुबह में उठी तो मतलब मन में विचार आया कि नहीं यार, ऐसे नहीं होता है कि अपने कुछ खाओ और पितरों को कुछ और दो। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, खाना हम खुद बनाएंगे और इतने दिन जल दिए हैं पितरों को और उनको हम लोग माने हैं, तो उनका अंतिम दिन भी हम लोग को बहुत प्यार से उन लोग से खाना देकर अर्पित करके और आशीर्वाद लेना चाहिए। ये पूरे एक साल में 2 ही हफ्ता की बात होती है, तो हम तो इतना तो कर ही सकते हैं उनके लिए। तो इसीलिए मैंने प्लान चेंज कर दिया और बोला कि नहीं, खाना हम खुद बनाएंगे और उनको वही देंगे जो हम लोग खाएंगे। तो फिर मैंने और मैं जब मेरा खाना पूरा रेडी हो जाएगा और जब मैं उनको देने जाएंगे हम लोग, तो आप लोग को पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या खाना में हम बनाए हैं। तो अब टाइम 2:15 बज गया है दिन का और मेरा लंच रेडी हो गया है और मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ कि मैं खाने में क्या क्या बनाया है। और ये स्पेशली मैंने जैसा कि बताया है कि अपने पूर्वजों के लिए ही बनाया है, जो हम उनको लास्ट आज दिन है, आज उनको हम अर्पित करके और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है और आप लोग देखिए दिल थाम के। तो इसमें है आलू मटर की सब्जी और इसमें है खीर और इसमें है पूड़ी और इसमें है पापड़, ये है सैलेड और राइस, राइस भी बनाया जो कि अभी गैस पे है। तो अब मैं खाने का टाइम हमारा भी हो गया, थोड़ा लेट हो गया है, तो अब निकाल लेते हैं खाना अपने पितरों के लिए। सबसे पहले खाना निकाल लेते हैं।
खीर तो बहुत सुंदर दिख रही है, खाने में भी टेस्टी ही होगा। सप्लाई का पानी जो चलाता है। तो ये साथ में पानी भी देते हैं, तो पानी का खाना रेडी हो गया है, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को क्या है। वो तो दिखा ही चुकी हूँ, पर फाइनल थाली ये पूरी सब्जी खीर और सैलेड, पूरी सब्जी खीर और सैलेड, और दो दो प्लेट में निकाला है। एक आदर के पापा मतलब मेरे ससुराल वाले पूर्वजों को देंगे, और मैं अपने एक थाली में निकाली हूँ जो मैं अपने मेरे मम्मी पापा नहीं हैं उनके लिए मैं निकाली हूँ, मतलब वो मेरे साइड के पूर्वज हो गए, तो दो थाली में मैं निकाली हूँ। और थोड़ा सा उन लोग को पापड़ भी दे देते हैं। दे आऊं पर मेरे से अकेले नहीं जाएगा, दो थाली है ना। आ जाइए जी जल्दी, एडिटिंग बाद में कर लेना। एक पानी भी तो लेना पड़ेगा, ऐसे ही हाथ पे ऐसे ले लीजिए, पहले मैं ना उसको खोल देती हूँ। तो जा रहे हैं हम दोनों, खाना देके आते हैं फिर। तो मैं खाना खा चुकी हूँ और ये अभी खा ही रहे हैं, भूख बहुत तेज लगी थी, आज लेट हो गया, घड़ी में बज रहा 2:20। कैसा था खाना? खाना लाजवाब था, बहुत दिनों बाद पूरी खाए हैं, पूरी तो हमको पसंद ही है। खीर तो वाह, खीर बहुत टेस्टी है। तो कल जो ये गार्डन बना था, तो इसलिए वो बोला था ना कि इसमें पानी देने से इसमें मजबूती आएगी। तो दोपहर का समय हो चुका है, तो मैं एक बार मॉर्निंग में पानी पिला गया था, और एक बार दोपहर में दे देंगे, 3 टाइम देंगे ना, तो ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा, वही मैं पानी दे आई हूँ। पानी दे लिए हैं, अब जा रहे हैं ऊपर। आदू क्यों रो रही हो? घूमी करना है, पापा को बोलो। क्या चाहिए बेटा? घूमी करने। घूमी करने के लिए रो रही है, घूमी करना है, घूमी करना है, अभी ना चाह के भी जाना पड़ता है। चलो तीखा पानी, तीखा पानी, गोलगप्पे। चलो ठीक है। हाँ कैसा है? टेस्टी टेस्टी, बहुत दिन बाद खा रहा है। जाओ डॉगी के पास जाओ, भागो भागो जाओ, अब आ गई ना पास में डॉगी के पास। जाओ बेटा डॉगी के पास जाओ।
आधा सारा नैपी रखो, ये छोटा वाला, छोटा वाला आधा नैपी रख दो बेटा। यस, गुड बच्चा, गुड बच्चा। नो 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 नो, आधा नो, आधा डोंट डू दिस, रखो इसको, उठाओ उठाओ ये, हाँ पापा को मत दो, उधर रखो रखो रखो, हाँ जो गिरा है उसको भी उठाओ, इसको भी उठाओ जो गिरा है, उसको भी उठाओ, हाँ नापी है। तो गोलगप्पे खा के हम लोग कब का घर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं डिनर करने। और डिनर में मैंने कुछ बनाया नहीं है बल्कि ऑनलाइन मंगाया है, और ऑनलाइन इसलिए मंगाया है कि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर 12 से 13 दिन हम लोगों का, मतलब 9-10 दिन तो हो ही जाता है, मतलब फिर लहसुन प्याज नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं होता है बाहर खाने का लहसुन प्याज वाला चीज़, मतलब ये नहीं कि बिना लहसुन प्याज का आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा बाहर खाने का। तो हम लोगों ने सोचा कि आज कुछ खा लेते हैं, तो मॉर्निंग में हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि पितृपक्ष था, बताया ही है मैंने वीडियो में कि क्यों नहीं बाहर से मंगा के दिन में खाया, तो सोचा कि रात को ही खा लेते हैं। और आप लोग को दिखा रहे हैं कि हमारा क्या हम मंगाए हैं। तो ये देखिए, ये है हैदराबादी हंडी बिरयानी, और इसके साथ है पनीर 65 है। और अभी भी आदया के पापा काम ही कर रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ कब वो काम ख़त्म करके आए तो फिर साथ में खाएं। देखते हैं कब काम उनका ख़त्म होगा, अकेले खाने में तो मज़ा नहीं आता है, साथ में खाओ तो और ही स्वाद बढ़ जाता है। तो मैं उनका अभी तक वेट ही कर रही हूँ। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। और कल से नवरात्र स्टार्ट है तो फिर हम आगे लेके आएंगे आप लोगों के लिए न्यू वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हमारा चैनल उड़न खटोला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।